हेलो भाई, यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। और सब लोग जा चुके हैं, अम्मा वगैरह जो भी थी, और बहुत सारे कपड़े कलेक्ट हो गए हैं वॉश करने के लिए। ये मेरे बालों का हाल है जो मेरी दीदी ने क्रम्पिंग करके किया था हेयर स्टाइल बनाने के लिए। बहुत अच्छा मेकअप किया था मेरी दीदी ने, मेरे हस्बैंड की बड़ी बहन ने, जो जो है जिनका एक पार्लर है। मुझे डाउट था दीदी के मेकअप के, पता नहीं कैसा करेंगी कैसा नहीं करेंगी, बट दीदी ने मेकअप बहुत अच्छा किया था और हेयर स्टाइल तो जो मैंने बोला था वो ही बनाया था उन्होंने। और मैं बहुत खुश हूँ दीदी के मेकअप से, मुझे बहुत पसंद आया। और अब इन बालों को आज वॉश होना है तो ये मेरे बाल अच्छे फिर से हो जाएंगे। अभी तो ये बहुत बाउंसी हो रहे हैं, देख लीजिए। क्या मैं अब भूरी बाबा बनी हुई हूँ? अभी भी क्रम्पिंग करके बाल थोड़े से हैवी लगने लगते हैं। और हमने क्रम्पिंग मशीन मंगाई थी क्योंकि हमारे पास दीदी अपना सारा मेकअप का किट पूरी लेके आई थी, क्योंकि दीदी को खुद का मेकअप खुद करना था। और यहाँ पे ईद की वजह से हम लोगों को पार्लर वाली नहीं मिली थी, हम बुक करके आ गए थे, बट उसने फिर लास्ट मोमेंट पे हमसे बोल दिया था कि मेकअप नहीं होगा, मेकअप होगा सिर्फ, हेयर स्टाइल कुछ भी नहीं होगा, होगा तो नॉर्मल सा होगा। नॉर्मल सा हेयर स्टाइल तो हम लोग भी बना सकते थे, तो इसीलिए हमने फिर दीदी ने मुझसे बोला कि क्रम्पिंग मशीन का अरेंज कर लेते हैं और सब चीज़ मैं कर लूँगी। तो हाँ, दीदी ने किसी का भी मेकअप नहीं किया था, सिर्फ मेरा और अपना किया था, और थोड़ा बहुत किसी की साड़ी में पिनअप वगैरह किया गया था। और मैं थी आरोही, दीदी की बेटी, और दीदी, हम तीन लोग थे जिन्होंने हमारा मेकअप आपस में हुआ था। दीदी ने आरोही का भी किया था, मेरा भी किया था, मेरा स्टाइल बनाया, हेयर स्टाइल बनाया था, आरोही का भी हेयर स्टाइल बनाया हुआ था। और दीदी ने, दीदी को खुद से नहीं कर पाई थी क्योंकि बैक पे जब जूड़ा बनाते हैं तो दूसरे की हेल्प लेनी ही पड़ती है। और दीदी को डाउट था अगर मैं बनाऊंगी तो ठीक नहीं बनेगा, मुझे भी डाउट था, मेरा भी मन नहीं था कि मैं उनसे, दीदी मुझसे बोले कि मैं उनका जूड़े में हेल्प करूँ, और मैं, क्योंकि जूड़ा ख़राब हो और पार्टी में खुल जाए तो भी अच्छा नहीं लगता ना। सो दीदी ने इसीलिए कर्ल्स कराए थे, कर्ल्स मैंने कर दिए थे, कर्ल्स बढ़िया हुए थे। मेरे पास कर्लिंग मशीन भी है, अब हमारे पास क्रम्पिंग मशीन भी है, कर्लर भी है, और स्ट्रेटनिंग मशीन भी है, और ड्राई करने की तो ऑलमोस्ट सबके पास भी होती है। तो ये है हमारे पास अब नॉर्मल के लिए। और क्रम्पिंग मशीन का रिव्यू ऐसा है कि बिल्कुल फर्स्ट बढ़िया है। V&G की मेरी क्रम्पिंग मशीन है जो दीदी लेके आई थी मार्केट से जाके, और उनका उस V&G, ये तो नहीं पता कि कितने दिन मशीन चलने वाली है, बट हाँ, उसने अच्छा वाला बालों को अच्छा किया है। क्योंकि कर्लर और स्ट्रेटनिंग वाली मशीन्स जो होती है ना, वो जो इनके प्रोफेशनल होते हैं उनके पास अच्छी होती है, हम लोग जो घर में रख लेते हैं ना वो इतना यूज़फुल काम नहीं करती है, उनकी हीट कम होती है। सो क्रम्पिंग मशीन ने ऐसा ही काम किया है जैसे पार्लर वालों के पास होती है। सो दीदी को मिलते हैं 10 out of 10 और बहुत सारे स्टार कि उन्होंने मेरा मेकअप किया। और जब भी मैं मेकअप की बात करती हूँ मुझको बहुत अच्छा लगता है, उनको स्माइल आ जाती है मेरे फेस पे। और सब लोग जा चुके हैं वहाँ, दूसरे घर पे दीपिका बहू है जो है अभी, आज शायद वो अपने घर जाएंगी और फिर वो जा रहे हैं घूमने, आई थिंक श्रीनगर जा रहे हैं। सो वो तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि मैं उधर शायद जाऊँ ना जाऊँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा काम है। और शाम को फिर घर का, ट्यूशन के बच्चे बहुत दिन से नहीं पढ़ाए थे, ट्यूशन भी पढ़ाना है। उत्कर्ष स्कूल चला गया है, खाली हूँ, मैं चाय पी रही थी क्योंकि मुझको ना अभी भी आलस आ रहा है, तो मैंने मुझे चाय बनाई थी। अब बस नहाना है, बालों को सीधा करना है, और घर का काम तो हो चुका है। खाना नहीं बनाया, खाना हमारा लेट बनता है, तो खाना बनेगा और सब कुछ हो चुका है। और मिलते हैं आगे के व्लॉग में, आज पूरा दिन में कुछ क्या अलग होता है। अगर मैं उधर जाती हूँ तो थोड़ी बहुत वीडियो ज़रूर ऐड करूँगी उसमें। और मिलते हैं आगे के व्लॉग।